आम बजट को लेकर सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर आई है, जानेंगे इस खबर को विस्तार से। इससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मोदी सरकार 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश करने जा रही है। कोरोना और लॉकडाउन की मुश्किलों से बेपटरी हो चुकी अर्थव्यवस्था को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। वहीं नौकरी पेशा लोगों की उम्मीद है कि सरकार इस बजट में उन्हें तोहफा देगी। लंबे वक्त से सैलरी बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। बजट 2021 से केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार उनकी मांगों पर गौर करते हुए उन्हें स्वागत देगी। लंब वक्त से अपनी मांगों को लेकर अनदेखी को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों ने 1 फरवरी 2021 को नए लेबर कोड, 7वें वेतन आयोग की विसंगतियों और महंगाई भत्ते पर सरकार की ओर से लगाए गए रोक को लेकर विरोध प्रदर्शन का ऐलान भी किया है। केंद्रीय कर्मचारियों के संयुक्त संगठन ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन के आह्वान पर रेलवे के कर्मचारी 1 फरवरी को ध्यानाकर्षण दिवस मनाएंगे। क्या है केंद्रीय कर्मचारियों की मांगे? केंद्रीय कर्मचारी लंबे वक्त से सैलरी बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। वहीं संसद से पारित नए 4 लेबर कोड में सुधार की मांग कर रहे हैं। वहीं 7वें वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर करने की मांग कर रहे हैं। नई राष्ट्रीय पेंशन नीति में बदलाव चाहते हैं। महंगाई भत्ता पर रोक का विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के बाद आर्थिक बोझ को कम करने के लिए केंद्रीय कर्मचारियों के बढ़े हुए महंगाई भत्ते पर जून 2021 तक के लिए रोक लगा दिया। महंगाई भत्ते पर रोक के साथ ही केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक एरियर भी रोक दी। बजट 2021 सोमवार को पेश होने वाला है। ऐसे में लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। उन्हें उम्मीद है कि सरकार उनके लिए घोषणाएं करेगी। उन्हें उम्मीद है कि बजट में उनकी सैलरी बढ़ोतरी को लेकर बड़ा ऐलान किया जाएगा। वहीं महंगाई भत्ते पर लगाई गई रोक को हटाने का ऐलान होगा। वहीं उन्हें उम्मीद है कि सरकार बजट में महंगाई भत्ते को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है।